हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारी सेवंथ क्लास है और सेवंथ क्लास में देख रहे हैं हमारा जो बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड आइडेंटिफिकेशन है खाली, आप समझिए उसकी अस्मिता। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हम देखते हैं, कह रहे जिस समाज हम बड़े हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, कि कैसा उनका व्यवहार है वो कैसे योग्य है उसको हम लोग आपका देखते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हम प्राय यह सोचते हुए बड़े हुए हैं। अब देखिए, जब हम लोग बड़े होते हैं तो हमारे साथ एक चीज फंसी होती है कि हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, हमारे बात करने का तरीका वो कैसा होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर हमारी अगर हम बेसिकली बात करें तो हम नैतिकता पर बात करते हैं, आपका इथिक्स पर हम लोग बात करते हैं कि चाहे कोई लड़का हो या फिर वो आपका लड़की हो, उसकी इथिक्स कैसे हैं, उसका व्यवहार, उसका नेचर कैसा है, क्या वो स्वीकार करने योग्य है, यानी कि जिस तरह का उसका बिहेवियर है क्या एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल, और वो किस तरह से अपनी नैतिकता को दिखाता है, अपनी चीजों को दिखाता है। क्लियर है? आगे देखिए, परंतु क्या आप सभी लड़के समाजों में, कह रहे सभी समाज हैं, कोई भी ऐसा वर्ग विशेष, कोई भी धर्म समुदाय समाज की बात हो रही है, लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नजरिया है? अब प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कोई भी समाज है क्या हर समाज में, ये देखिए प्रश्न चिन्ह है, क्या हर समाज में लड़का और लड़कियों के प्रति एक जैसा नजरिया है? अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं अगर इसकी आपको आंसर दूं तो मैं आपको चीज स्पष्ट रूप से कहूंगा कि भारत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जहां पर पूर्ण रूप से यह हो सके कि लड़का और लड़कियों को समान समझा जाता है, नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं। हाँ, बहुत सारे परिवार ऐसे हो सकते हैं, कुछ गांव ऐसे हो सकते हैं जहां पर लड़का और लड़कियों को समान आपका समझा जाता है, उनको समान आपके नजरिए से, सेम आपके प्रोस्पेक्ट से उनको देखा जाता है, लेकिन हर वर्ग हर समाज में हो तो ये बड़ा अपने आप में एक नामुमकिन सा क्वेश्चन है। जैसे इस पार्ट में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने का कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसी का हम लोग उत्तर जानेंगे इस पूरे आपके चैप्टर में। अब आपको ध्यान रखना है कि मेनली चैप्टर किस बेस पर चलेगा, कि क्या सारे समाज जो के जो लोग हैं वो एक ही तरह आपका लड़का और लड़कियों पर अपनी नजरिया रखते हैं, ये हमको देखना है कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तय करती है। कह रहे भविष्य में कैसे स्त्री और पुरुष के रूप में जो आपकी भूमिका होती है वो कैसे ये भूमिका आपकी तैयार होती है, इस भूमिका को हमको आपका गौर करके आपका देखना है, ठीक, और इसको गौर करके हम लोग इस पर बात भी करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए, कोई भी डाउट बनता है आप मुझसे पूछ लीजिए। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आप इसको एक बार देख लिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और इसको गौर करके अच्छे से देख सकें। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गांव में, शहर में, आपके परिवार में, आपके जिस आप समाज, वर्ग, धर्म, जाति, समुदाय से आते हैं, क्या वहां लड़का और लड़कियों के साथ समान आपका नजरिया है? अब मुझे बताइए, क्या एक समान आपका समझ जाता है? तो आप मुझे बताइए। देखिए, ये हम अगर हम नजरिया की बात करें तो ये नजरिया हम तय करते हैं सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा है। किसी भी वर्ग, समुदाय, राज्य, देश, परिवार को अगर हम उसकी सामाजिक संरचना अच्छी होती है तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट उसके ऑलरेडी अच्छे, हम मान सकते हैं कि वो अच्छे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में हम आगे आपका गौर करके देखते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष वे स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। क्या देते हैं? अलग अलग महत्व है। कहां? हर समाज में, चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर स्त्री पुरुष को अलग अलग आपका महत्व दिया जाता है, ये आपको देखना है। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वहन किए जाने की जाने वाली भूमिका और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। क्या मिलता है उनको? इन सब चीजों से जो कम है
वो कम महत्व और कार्य जो है आपका। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानता कैसी उभरी है। कहां पर? काम के क्षेत्र में असमानता कैसी उभरी है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो लिंग भेद जाति जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, और समान अवसर की उपलब्धता किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, ये भी आपको बताना है। क्योंकि महिला और पुरुष के बीच भारतीय संविधान कोई आपका डिफरेंसेस जो है वो नहीं करता, कोई जो अंतर है वो आपका नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको इसकी जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक, वो क्या नहीं करता है? स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार का भेदभाव या अंतर आपका नहीं करता है। तो इसको एक बार मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से देख लीजिए, इस प्रश्नभूमि को पढ़ लीजिए, इस पर बात कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेन चैप्टर कंक्लूजन क्या है इसको भी हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से गौर करके विचार करके हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिए आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग अपने इस चैप्टर को गौर करके बहुत अच्छे से आपका देखते हैं, और इसी प्रश्न की हम लोग आपका बात कर रहे थे, इसी की हम आपकी जो कल्पना है वो कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक एक चीजों को हम बहुत अच्छे से गौर करके देखने का आपका प्रयास करेंगे। जैसा कह रहे हैं कि 1920 के दशक में सामो द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, अब देखिए कौन सा द्वीप है, सामोआ द्वीप। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे से द्वीप समूह का एक भाग है। सामोआ समाज के नजरिए में किया गया अनुसंधान रिपोर्ट 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, कह रहे कि 1920 का दशक मतलब 10 साल का में जो बच्चे थे वो क्या नहीं जाते थे, आपका स्कूल नहीं जाते थे। वे बच्चे, बड़े बच्चे और वयस्क से बहुत कुछ सीखते थे, कह रहे जो आपके बड़े बच्चे थे वो जो वयस्क हैं, जो जवान व्यक्ति है, उन्हीं से वे बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीजों को आपका सीखते थे। जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। अब देखिए कि अब बड़े लोग बड़े बच्चों से छोटा बच्चा ही आपका देखकर सीखता है, ये भी हमारे समाज में है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई अनोखा बात है। भले ही वहां बच्चे स्कूल न गए हों लेकिन वो अपने बड़ों को जो वयस्क हैं उनको देखकर वो अपना काम पत्ती आपकी चीजें जो थे वो सीखते थे। ठीक, टीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, कह रहे जो फिशरीज है, जो फिशिंग होती है, वो किसी भी आइलैंड पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये आप जानते हैं, क्योंकि वो एक फूड का पार्ट है। ठीक, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते हैं। सुदूर का मतलब होता है दूर, लंबी यात्राओं पर। क्या होता है? सुदूर का मतलब होता है आपका दूर, लंबी यात्राओं पर जो है आपका जाना वो सीखते हैं। ठीक, लेकिन ये बात वे अपने बचपन के अलग अलग समय में सीखते हैं। आप कह रहे चाहे काम करना हो, मछली पकड़ना हो, कोई काम हो, ये समय कैसा है, ये अलग अलग समय है जब ये काम सीखते हैं। छोटे बच्चे वैसे ही चलना शुरू कर देते हैं, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती है जो प्राय स्वयं भी 5 साल के आसपास की उम्र के होते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों अपने भाई बहनों की देखभाल करते हैं, लेकिन जब लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता है तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता है। यानी कि बड़ा लड़का बाप किसको मानते हैं, जिसकी आयु 9 वर्ष की हो जाती है उनके सामाजिक स्वरूप में उसको बड़ा लड़का माना जाने लगता है। ठीक, यानी कि 9 साल के लड़के पर 5 साल के लड़के की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो क्या करे, जो चीजें उसने सीखी हैं वो अपने छोटे भाई को समाज में सिखाए, उन चीजों को समाज के रहने के लिए। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको सिखानी होंगी और क्या है, और बाहर के काम सीखता है जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, लकड़ियां जब 13-14 साल की नहीं होते, छोटे बच्चों की देखभाल बड़े लोगों से छोटे मोटे कार्य कराती हैं,
लेकिन एक बार जब 13-14 साल के हो जाती थी वे अधिक स्वतंत्र होते हैं। लगभग 14 वर्ष की आयु के बाद ही वे मछली पकड़ लेते हैं। बागानों में काम करती थी और डालियां बुनकर सीख लेती थी खाना पकाने का काम। अलग से बनाए गए रसोई घर में ही होता था जहां लड़कियों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करते, लड़कों को ही क्या था अधिकांश काम था और लड़कियां उनकी हेल्प करती थी। तो आप देख सकते हैं कि 14 वर्ष की आयु में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो आपने अभी एक सामाजिक वर्ग का आपने बेसिकली वहां का स्ट्रक्चर जो था आपने देखा और उस पर बात करी। तो ये सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा लगा आपको, क्या चीज इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण दिखाई दी? मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे पूछ सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए। आप एक बार इसको रिविजन करिए, पढ़िए, फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे और गौर करके एक एक सारी चीजों को हम लोग इसमें। आप कह रहे हैं कि जो आपका बड़े बच्चों का जो अनुभव है बड़े होने का और छोटे किशोर बच्चों के अनुभव से किस प्रकार डिफरेंट है, आपको बेसिकली देख लेना है इसे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, कह रहे 1960 का दशक जो था उसमें मध्य प्रदेश में खास करके हमारा अपना राज्य है वहां आपका पुरुषों के रूप में बड़ा होना, यानी कि अगर कोई मध्य प्रदेश में जन्मा है 1960 के आसपास तो उसके लिए पुरुष का बड़ा होना क्या है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित आरेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले स्कूल जाने का वर्णन किया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़का और लड़की अलग अलग स्कूल जाते थे। लड़कियों के स्कूल और लड़कियों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाया जाता था। उनके स्कूल के बीच एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के पास कोई ऐसा आंगन नहीं था बल्कि उनके खेलने के मैदान का बस का एक बड़ा खुला स्थान था। बस क्या था, एक बड़ा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियां की भीड़ को सक्रिय गलियों से जाते हुए देखते थे। लड़कों सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखाई देती हैं। यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों पर अनेक कामों के उपयोग करते थे, जैसे कि वहां खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ना और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के कष्टकारों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधी घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या कोई उन पर हमला ना कर दे। ये स्थिति आप लोग देख सकते हैं और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा चलन मिलता है कि कहीं ना कहीं लड़कियां जो हैं आपका आज भी कुछ जगह ऐसा है जो ग्रुप में जाती हैं, लड़के भी जाते हैं लेकिन वो बता रहे कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो उनके मन में कोई डर व्याप्त हो जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही हो या उस डर की वजह से वो आपका जा रही हो, तो कोई ऐसा डर जो व्याप्त है वो ना हो। तो मध्य प्रदेश का स्कूल कैसे अलग दिख रहा है कि 6 क्लास तक लड़का लड़की साथ पढ़ेंगे, दोनों का अलग हो जाएगा, लड़कियों के लिए बीच में आंगन, बीच में स्पेस मिलेगा खेलने के लिए, लड़कों के लिए कोई ऐसा सिक्योरिटी पर्पस है नहीं, तो इसमें ज्यादा महत्वता किसको दी जा रही है, लड़कियों को। लेकिन आगे पढ़ते हैं क्या स्कूल है। तो देखिए, लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं, बताइए क्यों पसंद करती हैं? आप लोग भी जाते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्यों पसंद करते हैं ऐसे? ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। प्राय हम सोचते हैं, कह रहे कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं और प्राय हम सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभव से ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्ग से बात करेंगे तो हम पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। भिन्न का मतलब डिफरेंट था, अलग था। तो बच्चों, जाहिर सी बात है कि आज का बचपन यानी के 2022 का बचपन, 1990 का बचपन और 1960 का बचपन
1980 का बचपन और आने वाला 2000 आपका 30 का बचपन एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट रखेगा, वेरिएशन रहेगा चाइल्डहुड में, ये आप ध्यान रखिए। ऐसा रहेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने के लिए, क्योंकि समाज जैसे जैसे आपकी प्रगति करेगा जो चीजें थी वो क्षीण हो जाएंगी और नई नई चीजें समाप्त आएंगी। पहले खेलने के लिए क्या होता था, अब तो प्लास्टिक के इतने सारे खिलौने आइटम, मोबाइल, चाइनीज फोन, चाइनीज आइटम हमारे यहाँ मजार में भरे पड़े हैं, बच्चों को जो आपको खिलाते हैं, कितने सारे गेम्स होते थे। पहले के जमाने में क्या था, बस यूं ही कुछ ना कुछ मिट्टी का बना लो, उससे खेल लेते थे बाहर गांव में, आपका गोली डंडा मैच वगैरह इस वगैरह ये सारी चीजें, लोकल खो कबड्डी ये बच्चे खेलते थे। आजकल परंपरागत जो चीजें हैं वो आप ट्रेडिशनल बहुत कम है, अगर आज भी संरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं वो गांव में ही संरक्षित बची हैं, बाकी शहरों में इस प्रकार बहुत कम है ये सारी चीजें। तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे का बचपन कैसे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। आगे देखिए, हमने यह भी अनुभव करते हैं, मतलब अनुभव का मतलब है एक्सपीरियंस है कि क्या एक्सपीरियंस है कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। देखिए आगे बात जिसे मैं आपसे कह रहा था कि चाहे लड़का हो या लड़की, जो समाज है वो क्या करता है, स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम उम्र से ही शुरू हो जाता है और कहने कि ये अंतर जो है हमको बहुत कम एज में ही हमको डिफरेंसेस आपका देखने के लिए मिलते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने खेलने के लिए विभिन्न खिलौने दिए थे, लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती थी, ठीक है, और लड़कियों को गुड़ियां। अब एग्जांपल देखिए कितना सटीक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर हम खेलने की बात करें उसमें भी आपका डिफरेंसेस थे खिलौनों को देखकर, जैसे लड़कों को खेलने की बात करें तो लड़कों के लिए हमेशा कार मिलती थी, आज ही मिलती है, और लड़कियों के लिए क्या मिलती है, गुड़िया मिलती है। आखिर में ये सामाजिक खेलने के चीजों में भी अंतर, ये बचपन में कौन पैदा कर रहा है, कहां से आ रही है, और दोनों ही खिलौने हैं लेकिन खेलने में बड़ा आनंदमय हो सकता है और दोनों के लिए चीजें बड़ी अलग हो सकती हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं, बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्यों दी जाती है, ऐसा भेदभाव क्यों, बताइए क्यों है ऐसा सामाजिक स्ट्रक्चर, कौन सिखाता है हमको ये सारी चीजें, कहां से पनपती हैं आखिर ये सारी चीजें, जिनको हमको बेसिकली आपका इसमें देखना है और हमें जिनकी इसके अंतर्गत बात भी करनी है। समझ आ रहा है, देख रहे हैं, पढ़िए समझिए और इसका डाउट बताइए। क्या अंतर दिखाई दिया आपको इस सामाजिक संरचना में, क्या स्पष्टता होती है आपको इस प्रकार की चीजों से, क्या पहचान करते हैं आप, मुझे बताइए। देखिए समाज ने कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी है जो बचपन के ही तौर यानी कि शुरुआती तौर से ही लड़का और लड़कियों में आपका अंतर करने लगते हैं। एग्जाम्पल आपका एक छोटे से खिलौने को आप लेकर इसको समझ सकते हैं और आगे बड़े रूप में हम लोग चीजों को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। जैसे खिलौने बच्चे को यह बताने का माध्यम है, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या है बताने का, क्या है आपका माध्यम है, बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे उनका भविष्य अलग अलग होगा, फ्यूचर क्या होगा उनका, अलग अलग फ्यूचर है उनका, ठीक है। हम विचार करेंगे तो प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातें में बनकर रख जाता है। अब कैसे आप समझ सकते हैं, लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़कों को रोप से, ये सब बच्चों को बताने के तरीके हैं। कैसे हैं, बच्चों को बताने के तरीके। अब देखिए लड़का कहाँ खेलेगा, पार्क में, लड़की कहाँ खेलेगी, घर में, और हम क्या कहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो धीमी आवाज में बात करें और लड़कों से कहेंगे कि रौब वाली एक आवाज होती है, रौब भारी आवाज में बात करें कि नहीं तुम कैसे लड़की जैसी बात करते हो, यानी कि तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, बेस नहीं। वो क्या चाहते हैं कि आपकी आवाज में क्या हो, अच्छी फ्रिक्वेंसी हो, तो आप लड़के हैं, देखिए कैसी चीजें डिफरेंस बनाकर दे रहे हैं कि लड़कियों को धीमी आवाज में बोलना चाहिए। आगे पढ़ेंगे तो हमें वो बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसमें। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उन्हें विशिष्ट भूमिका होगी, और कैसी होगी, एक यूनिक
उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी यूनिक चीजें होंगी। बाद के जीवन में इनका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय और व्यवसाय को चुनने के लिए पड़ता है। और कह रहे हैं कि जब लास्ट में आप लोग बड़े हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, तो आप कौन सा व्यवसाय चुनेंगे, कौन सा काम चुनेंगे, इसके अध्ययन में ये चीजें बिल्कुल साफ और स्पष्ट आपको दिखाई देंगी। ऐसी हैं, साफ और स्पष्ट आपको दिखाई देंगी। ये आप देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इनको गौर कर इन पर विचार कीजिए। आप कैसे इसमें आपको अंतर मिल रहा है, इसमें कैसे आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं, ये सब चीजें आप जान पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि नहीं, बताइए आप मुझे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजें अच्छे से जान पा रहे होंगे। आइए हम इन चीजों को एक छोटी सी स्टोरी के साथ, चीजों को पढ़कर हम लोग सीखते हैं और स्टोरी के साथ हम चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं, ताकि हम इनको बहुत बेहतर तरीके से सुन समझ पाए। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं वापस एक बार आपको 30 सेकंड का फिर समय देता हूं कि जितना भी आपने पढ़ा है अभी, जहां तक हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी प्रकार कोई प्रश्न, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई अपनी मन की जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, मेरी माँ काम नहीं करती, ध्यान देना है, मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। स्कूल से कहाँ जा रहे हैं, भ्रमण पर, यानी कि स्कूल का कोई टूर है जो उनको घुमाने ले जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए। रोजी मैडम के साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है, क्या आप अपने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलेंगे। अब ये बात कर रही है अपनी माँ से कि हमारा स्कूल हमें घुमाने के लिए ले जा रहा है, और कह रहे हैं कि रोजी मैडम के साथ कोई एक और चाहिए जो बड़ा हो। वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारा साथ जाती हैं, क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम्हें ऐसा कहा कह सकती हो, तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजकर उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। अब कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हरमीत की माँ कुछ काम नहीं करती, लेकिन उसकी मम्मी सुबह 5 बजे उठ जाती, तुम्हें पता भी है, और सारा काम कर लेती। तो ये माँ बेटी के संवाद के बीच की बात है। लड़की कह रही है वो कुछ काम नहीं करती है, माँ कह रही है सुबह 5 बजे उठ जाती और काम कर लेती। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये बस घर का ही काम तो करती है। ओ, क्या तुम वाकई ऐसी चीज सोचती हो, कह रहे कि अगर तुम्हें केवल घर का काम कोई काम नहीं लगता तो क्या तुम ऐसा सोचती हो। चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। अब पहुंच गए आपका जसप्रीत के घर, श्री सिंह के घर पर, यानी कि जसप्रीत को हमने सिंह साहब, क्योंकि सरदार के साथ हम सिंह लगाते हैं, सरदारों के साथ, हम पहुंच गए अब जसप्रीत के घर। हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है, पर आंटी क्या वाकई ये सब ठीक है, मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो हम कुछ आराम क्यों नहीं करती हैं, और एक बार जरा सा इन्हें कुछ सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर आपका चली जाती हूँ। वाह, कितना मजा आ जाएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। यानी कि वो अपनी मम्मी को रेस्ट लाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने फादर के साथ पूरा जो काम है वो हम लोग आपका संभालेंगे। तो अभी हमने 2 स्टेप पढ़ा, और 2 स्टेप पढ़ने के साथ हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना स्टेप को आप देखिए, फिर इतने स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं। अर्ली मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह 7:30 7:30 बजे, हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूं, आज तो मंगला की भी छुट्टी रख दी गई है। ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से छोड़ना पड़ेगा होगा। जल्दी करो, जल्दी, हम हरप्रीत को
कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। क्या करे? अब जो पंप है उसका स्विच ऑन करें। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा और तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना, मां ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए थे। अब शाम को 6 बज रहे हैं, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूं और कुछ चाय वाय हो जाए। हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बना लेता हूं। पूरा घर देखो, जैसा कि यहां कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर की जैसी हालत छोड़ी थी वैसी हालत दिन भर रहेगा? हरमीत, चाय की पत्ती कहां रखी हुई है? ही, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि काम नहीं करती हूं? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा और चाची रात को खाने पर आने वाले हैं। तो बेसिकली एक महिला के पूरे काम को, पूरे योगदान को बता रहे हैं कि एक महिला जो आम रूप से काम करती है, जिसको लोग काउंटिंग नहीं मानते, काउंट नहीं करते। आज के समय में ये बात चल रही है कि जो महिला घर में काम करती है उसको GDP में ऐड करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बस घरेलू महिलाओं कहते हैं हाँ मम्मी तो काम करती हैं, एक जनरल टॉक कह के हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कभी हम जीवन में उनको थैंक यू तक नहीं बोलते। तो सोचिए, एक दिन काम करने में उनका शेड्यूल खराब हो गया, बच्चे लेट हो गए, नाश्ता नहीं बना, दोपहर को आके चाय नहीं बने, पूरा घर ऐसा पड़ा हुआ है, पूछ रहे हैं कि चाय कहाँ रखी हुई है, पत्ती कहाँ रखी हुई है। अब आप सोच के देखिए कि स्थिति कैसी होगी, क्या चीज है। केवल एक दिन जो मेन घर के काम करने वाली है वो रेस्ट पर है, हड़ताल पर है। इन द सेंस ये है कि वो घर से बाहर नहीं है, वो घर में ही है, तो ये कंडीशन है। अधिकांश समाजों में हमारा क्या है, समाज भी सम्मिलित है। अरे जो और जैसे समाज है उन्हीं समाज में हमारा जो समाज है वो भी सम्मिलित है। स्त्री और पुरुषों की भूमिका उनके काम के महत्व के समान नहीं समझता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्री के द्वारा किए जाने वाले काम में यह समानता कैसे है। कह रहे कि स्त्री और पुरुष के काम में यह समानता कैसी है। एक ये हमको आपका देखना है कि स्त्री और पुरुषों के काम में यह समानता कैसी है। चलिए इतना पढ़ा है, इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और एक एक करके इसको गौर करके बहुत अच्छे से देखेंगे। एक बार पढ़ लीजिए पूरी स्टोरी को, देख लीजिए कुछ पूछना हो तो। क्या इस तरह की घटना आपके घर में घटित होती है कि नहीं होती है, कभी हंसी मजाक में? तो आप देखिए कि आपकी माता कितना काम करती है, आपकी मम्मी, आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं इसको। तो इतना हमने इस चैप्टर को अच्छे से गौर करके हमने देख लिया, एक एक करके सारी चीजों को हमने पढ़ा, इसमें सोचा और विचार करा। तो फिलहाल आपको पता होगा कि कैसी स्टोरी हम लोग अपने, ये कंडीशन हमारे घर में भी कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे हमें पता लगता है कि कोई काम करता है कि नहीं करता है। अब है घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता कि जसप्रीत के घर में का जो काम करती हैं वे वास्तव में कोई काम है। भाई किसकी फैमिली को नहीं लगता, हरमीत की फैमिली को नहीं लगता कि जसप्रीत घर में कुछ काम वाम होता है या नहीं। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। कह रहे अगर वो ऐसी फीलिंग सोचते हैं कि उनके घर में कोई काम नहीं है, ये निराली मतलब कोई अनोखी अलग सी बात नहीं है। सारी दुनिया में घर का काम ही मुख्य जिम्मेदारी स्त्री की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की बीमारियों का। फिर भी जैसा हम देखा है कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। क्या नहीं मानते, जो घर में काम हो रहा है हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो नॉर्मल है। अरे क्या ही किया तुमने सुबह से, खाना ही तो बनाया है, झाड़ू पोछा ही तो किया है, करा ही क्या है, मैं तो ऑफिस गया, 10 काम करे, मैं आया गया, मैंने कपड़े पहने, मैंने जूते पहने, मैंने चाय पी ली अपने हाथ से। हम कंपेयर करते हैं अपने आप से। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभिमान का कार्य है। कैसा है, स्वाभिमान से जोड़ दिया, अगर वो नहीं करेंगे तो उनका स्वाभिमान ठेस पहुंच जाएगी। देखिए इसलिए उनके लिए
पैसे देने की कोई जरूरत ही नहीं है, समाज में इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। और समाज इस तरह के काम को कोई जो महत्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आदर है, जो रेस्पेक्ट है, जो मिलनी चाहिए, जो लोग, जो महिलाएं काम करती हैं घरों की, वो आपका नहीं मिलता। मिलानी अपनी बच्चों के साथ, अब देखिए एक फोटो शेयर की, इतना बड़ा योगदान है, आप इसको समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, चैप्टर को आप लोग घर जाकर एक बार रिविजन करिए, कोई डाउट बनता है मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।